किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के जो हमारी जानकारी वह सरसों की हार्वेस्टिंग यानी सरसों की कटाई का कार्य अब चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे जो भाई हैं, सारे किसान भाई सारे सरसों काट रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर हो रहा है पूरे भारत पर और हमें जो मजदूर है वे मिल नहीं पा रहे जो हमारी सरसों काट सके। तो इसलिए जो हमारे भाई हैं जो बाहर रहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो सभी गाँव में आ गए हैं। तो हम सब मिलकर अब सरसों की कटिंग अपने आप ही कर रहे हैं। सरसों की कटाई पूरा परिवार आया हुआ है, हमारा पूरा परिवार ही है। हमारे चार भाई यहाँ पर है और हमारे चाचा जी उधर सरसों काट रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खेती संबंधी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आप पूछते हैं अपने भाइयों से कि ये कैसे, इन्हें कैसा लग रहा है, यानी कि सरसों काटते हुए मस्टर्ड। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार के सबसे छोटे चौहान परिवार है जो हमारा है, तो उनसे मिलवाता हूँ, आयुष चौहान। तो आयुष चौहान जी, आपको कैसा लग रहा है सरसों काटते हुए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने हमें मौका दिया है काटने का सरसों। अच्छा, तो बढ़िया लग रहा है, हाँ। तो जरा काट के दिखाओ आप। आप पहली बार सरसों काट रहे हो या पहले भी काटी? अच्छा, पहली बार। पहली बार ही। चलो, और कौन सी क्लास में बता दो जरा। हम सिक्स में। सिक्स क्लास में है, देखो आपको बताया हमारे भाई ने, सिक्स क्लास में पहली बार सरसों काट रहे हैं। बहुत अच्छे से काट रहे हैं, क्योंकि मजदूर तो आ नहीं रहे कोरोना के, क्योंकि वो मैं सोच रहे कि हमें कोरोना हो जाए, इसलिए तो हम सब मिलकर अपने आप ही काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये इतना एरिया है, 1 एकड़, और इसकी कटाई हमने मात्र 2 दिन में अभी तक कर दी है, क्योंकि सुबह शाम आराम आराम से कर रहे हैं। अब दूसरे भाई हमारे हैं पीयूष चौहान, हम उनसे मिलवाते हैं, जो कि BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं थर्ड ईयर में। तो पूछते हैं उन्हें क्या अनुभव, कैसे काट रहे हैं। तो भाई साहब पीयूष चौहान जी, तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है सरसों की कटाई करते हुए? बहुत मजा आ रहा है, तो चोट भी लग चुकी है। अच्छा, चोट भी लग चुकी है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर भी काट रहे हैं। हाँ जी, काम तो हमारा ही करना तो हमें ही है। अच्छा, किसान है, काम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैं बताया, और हमारे साथ सुमित चौहान जी हैं जो आपको बताएंगे कि सुमित चौहान जी, सर, आपको कैसा लग रहा है? टाइम पास हो रहा है काटने में, बहुत। अच्छा, और कोरोना तो लगा हुआ है ना, धारा 144 लगी हुई है। कोरोना को भगाना है तो किसान को तो काम करना ही। हाँ, कोरोना को भगाना तो भाई किसान को तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान अगर काम नहीं करेगा तो खाएंगे कहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत बहुत बढ़िया। तो हमारे तीसरे भाई रहे चौहान जी, वो बताएंगे। तो भाई जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, उन्होंने बता दिया कि बहुत बढ़िया है, काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं उधर की साइड, जो हमारे चाचा जी काट रहे हो उनसे भी आपको मिलवाते हैं, तो चलते हैं उनके पास अब। तो आप भाई लोग काटते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बस आ रहे हैं आपके साथ कटवाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे चाचा जी है, ये हमारे बड़े चाचा जी है, और उधर हमारे छोटे चाचा जी है। दोनों चाचा जी की छुट्टी हुई है, छुट्टी है, तो छुट्टी पे घर ही आए हुए, तो ये भी सरसों की कटाई कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार है आज, पिछले 2 दिन से सरसों की कटाई कर रहा है, देख सकते हैं आप। और जो हमारे बड़े भाई जी हैं उनसे भी मैं काट कर चले गए हैं, तो हमारे दोनों चाचा जी इस वाले पट्टे में ले। तो साथियों, इसी के साथ आपको एक हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।